बीबीसी दुनिया में आज देखिए भारत में कहां और क्यों डूब रहे हैं कुछ गांव। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में बढ़ रहा है समंदर का जलस्तर, उजड़ रहे हैं किनारों पर बसे घर, विस्थापित हो रहे हैं लोग, क्या है समाधान? आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। बढ़ता जलस्तर कैसे बन रहा है मुसीबत, कवर स्टोरी में इसी की चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। मुंबई क्रूज ड्रग क्रेज मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, 3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार। बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौतों के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में दोबारा लगा लॉकडाउन, सुपरमार्केट और फार्मेसी छोड़ सभी दुकानें बंद, पूरे देश में कर्मचारियों को दी गई 9 दिनों की छुट्टी। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मार्क मिली ने जताई चिंता, कहा चीन का गुपचुप परीक्षण सोवियत संघ के स्पुतनिक लॉन्च जैसा, चीन ने कहा वो मिसाइल परीक्षण नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान था। आतंकी हमलों के खतरों के बीच अपने देश से दूर पाकिस्तान में किस हाल में रह रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीन के कुछ लोग, दिखाएंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। जलवायु परिवर्तन का खतरा दुनिया में बढ़ रहा है, भारत की 80% आबादी भी खतरे की जद में है। असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य समेत भारत के 463 जिले में बाढ़, चक्रवात या सूखे का खतरा बढ़ रहा है, और ये बात सामने आई है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में। दिखाएंगे कैसे खतरा नजदीक पहुंच चुका है, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक कैसे गांव समुन्द्र में समा रहे हैं, इसी की चर्चा आज कवर स्टोरी में। IPCC की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में बढ़ते जलस्तर की वजह से सदी के अंत तक मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत की सबसे लंबी गुजरात की तटरेखा पर बढ़ते जलस्तर का प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है। वलसाड जिले का मोतीदंती गांव कुछ सालों पहले जलमग्न हो गया था, कई और गांवों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारक की रिपोर्ट। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले में बनी इस दीवार ने अभी तक 8 गांवों में लोगों के घरों और उनकी आजीविका को अरब सागर से बचा कर रखा है। पिछले एक दशक में बढ़ते जलस्तर की वजह से जागृति तंडेल ने अपना घर 4 बार खोया है। कभी वलसाड़ के वेकरिया गांव में करीब 200 परिवार रहते थे, जो सक्षम थे वो शहरों की तरफ चले गए और जागृति जैसे कुछ समंदर के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने घर के इस छोटे से हिस्से को बनवाने के लिए करीब 50,000 से 60,000 रुपए दिए। पानी यहाँ से अंदर आया, हमने अपना घर दूसरी तरफ बनवाया। हमने मिट्टी से भरे थैले भी रखे पर कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा टूट चुका है और पत्थर की दीवार भी गिर रही है। जलस्तर बढ़ने की वजह से गाँव में रह रहे लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। सबसे ज्यादा खामियाजा गांव की औरतों को उठाना पड़ा है, जिन्हें दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढना पड़ रहा है। पहले औरतें मछलियां बेचकर आराम से पैसे कमा लेती थीं, पर अब उन्हें पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है। मजूरी पड़े। पर्यावरणविदों को इस बात पर कोई शक नहीं कि जलवायु परिवर्तन की ही वजह से समंदर जमीन को अपने आगोश में ले रहा है। मौसम में अचानक आए बदलावों की वजह से वातावरण में दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से तटों पर हवा की गति ज्यादा हो जाती है और लहरें पैदा होती हैं। इसी वजह से तट समंदर के भीतर समा रहे हैं। पर जिस गति से समंदर में जलस्तर बढ़ रहा है उसे लेकर लोग काफी हैरान हैं। वेकरिया का ये मंदिर समंदर के एकदम सामने है, पर कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं था।
समंदर की बढ़ती हुई सीमाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने गूगल अर्थ जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेकरिया हनुमान मंदिर है और इसके पास में ये जो है वो प्रोटेक्शन वॉल है, ये समंदर का पानी हम देख सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर का जो टाइम स्लाइडर टूल है उसका इस्तेमाल करने से इसी जगह की हम 2004 की तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये वेकरिया हनुमान मंदिर है लेकिन तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। मंदिर के पास से एक नदी गुजर रही है और उसके पास में यहाँ पर समंदर की रेत है, यानी कि पिछले 17 सालों में समंदर का जो स्तर है वो इस जगह से इस जगह तक बढ़ा है जिसमें वो समंदर की रेत और नदी उन दोनों को क्रॉस कर चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से दरिया का जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसके वेव्स में, टाइड्स में, करंट्स में इंटेंसिफाई हो रहा है, वो भी इम्पेक्ट कर रहा है कोस्टल मॉर्फोलॉजी पे। वलसाड, नवसारी, सूरत और भरूच चार जिला में रिपोर्ट के हिसाब से 45 किलोमीटर टोटल इरोजन इसमें मार्किंग किया हुआ है, लैंड पैटर्न यूज बदल गए हैं। राज्य सरकार ने दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों को बढ़ते जल स्तर की वजह से संवेदनशील घोषित किया है। हालांकि राज्य सरकार इससे निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। डिप्टी कलेक्टर वलसाड़ को इस मामले में कार्यवाही के आदेश दिए हैं, उनका रिपोर्ट आ जाने पर आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। बहरहाल अपनी जमीन को समंदर से बचाने के लिए स्थानीय लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, समंदर थोड़ा थोड़ा करके उनकी जिंदगी उनसे छीन रहा है और आने वाली पीढ़ी को लेकर उनकी चिंता बढ़ा रहा है। रॉक्सी काकडेकर छारा, BBC वलसाड। तो वहीं आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के उपाड़ा गांव में बीते 10 सालों में समुद्री जल स्तर बढ़ने से कई घर, बाजार और स्कूल पानी में समा चुके हैं। देखिए हमारे सहयोगी शंकर की खास रिपोर्ट। यह है उपाड़ा गांव, जो है भारत के पूर्वी तट पर, जो बढ़ते समुद्री जलस्तर की वजह से खतरे में है। काकीनाड़ा यहां से बस 16 किलोमीटर दूर है। ये भारत के उन 12 तटवर्ती शहरों में से एक है जो क्लाइमेट साइंटिस्ट के मुताबिक 80 वर्षों में पूरी तरह डूब सकते हैं। हम 10 वर्षों से समुद्र को नजदीक आते देख रहे हैं, लेकिन बीते 4 वर्षों में हालात बदतर हो गए हैं। लगातार तेज होती लहरों ने दीवारों और दरवाजों को तोड़ दिया है। उपाड़ा गांव अपनी पारंपरिक बुनाई कला के लिए जाना जाता है, लेकिन बुनकर अब तटों से दूर जाकर बसने लगे हैं। समुद्र यहां से दूर था, लेकिन तट धीरे धीरे टूटता जा रहा है, इसलिए हम थोड़ी ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। जो जमीन खरीद कर घर नहीं बना सकते वो अब वापस नहीं आना चाहते। यहाँ तमाम घर मिट्टी में मिल रहे हैं क्योंकि समुद्री लहरें उन्हें तोड़ रही हैं। तटों को टूटने से बचाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें बांधने की कोशिश की है, लेकिन बार बार आते चक्रवाती तूफानों और बढ़ते समुद्री जलस्तर ने उन्हें भी पानी में मिला दिया। उपाड़ा और कोथापल्ली जैसे गांव समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से बेहद परेशान हैं। जिनके घर टूट गए हैं, सरकार ने ऐसे लोगों को कहीं और घर दिए हैं। हमने उनके जाने के लिए प्रबंध भी किया है। समुद्री लहरों ने सड़कों को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय अधिकारियों ने किनारों पर बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि समस्या का ये स्थायी समाधान नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहद गंभीर चिंतन करना होगा। उसके सिवा कोई नहीं बता सकता है कि समुद्र की लहरें इतनी उग्र होकर तटों को क्यों तोड़ रही हैं। जानकार मानते हैं कि स्थानीय मछुआरों और किसानों के साथ मिलकर काम करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उन्हें साथ मिलकर तटों पर बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाने की योजना बनानी चाहिए। मैनग्रोव्स का अंधाधुंध तरीके से दोहन बंद करना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन।
एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयान। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत और तहरीके लबैक संगठन आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान में प्रतिबंधित धार्मिक राजनीतिक संगठन तहरीके लबैक ने फ्रांसीसी राजदूत पर ईष्टनिंदा का आरोप लगाते हुए उन्हें पाकिस्तान से निर्वासित करने की मांग की है। और इस मुद्दे पर इमरान खान सरकार से बातचीत नाकाम होने के बाद संगठन के लोगों ने लॉन्ग मार्च फिर से शुरू कर दिया है। जुलूस में पुलिस से झड़पें भी हुई हैं, जिनमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान से और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शहजाद मलिक। मैं इस वक्त सुहावा के ब्रिज पर मौजूद हूं, जिसको मुख्तलिफ हिस्सों से तोड़ा गया है और सबसे बढ़कर यह है कि इसकी जो फेंस वॉल्स हैं उनको दोनों जानिब से तोड़ा गया है। हमारी कोशिश यही थी कि हम दरिया जेलम जो है, जो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सबसे बड़ा ब्रिज है, वहाँ पर जाकर इस मामले की कवरेज की जाए, लेकिन हमें वहाँ पर कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई। और कुछ इतलात ये हैं कि अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब जाएं तो दरिया चनाब क्रॉस करके वहाँ पर जो है वो खंदकें खोदी गई हैं, और जिसका मतलब ये है कि जो तहरीक लबैक के कारकुनान हैं उनको रोकने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। माजी में जब भी ऐसे लॉन्ग मार्चेस हुए हैं तो उनको रोकने के लिए सिर्फ कंटेनर्स ही तक ही महदूद रखा गया है, लेकिन ये खंदकें जो हैं ये पहली दफ़ा सुनने में आ रही हैं। कि सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो जब हम इस्लामाबाद से जेहलम की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हमें काफ़ी तादाद में पंजाब पुलिस के अहलकार नज़र आए। कंटोनमेंट बोर्ड के करीब हमें रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो काफ़ी तादाद में दिखाई दिए हैं। बाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि वो तहरीक लबैक पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिल वक्त जो लोगों की जो डेली रूटीन है वो जो ख़राब हुई है, इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर वही है। विदेशी मुल्क और कभी भी आतंकी हमले का शिकार होने का डर, यह है पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी कर्मचारियों की दिक्कतें। हाल ही में कुछ चीनी कर्मचारियों पर एक आतंकी हमला भी हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने इनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं ये चीनी, देखिए सारा आतिक और नैयर अब्बास की रिपोर्ट। चाइनीज तो मैं बोलता हूँ कि जो इनके बारे में सुना था कि चाइनीज जिस तरह काम करते वो सुनते आ रहे थे, लेकिन अभी हमने देख लिया। सीपेक प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में चीनी कर्मचारियों की तादाद काफी बढ़ी है। उनके देश के मुकाबले यहाँ जिंदगी काफी अलग है। चीन में जिंदगी, अब मैं आपको कैसे बताऊं? वहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ वो सब नहीं है। हाल में हुए आतंकी हमले का शिकार होने के बाद सरकार ने चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। ऐसे वाकयात हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं। इंटरनेट के जरिए मालूम हुआ कि इनमें चीनी मारे गए, बहुत दुख हुआ। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने काफी इकदाम किए हैं, लेकिन शायद अभी तक पूरी तरह से इन लोगों का खात्मा नहीं हो सका। ये बात हमारे लिए कुछ परेशानी का बायस भी है। तो ये 6 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के ये लोग अपने काम पे चले जाते हैं, और फिर 11 बजे ये लोग काम बंद करते हैं, खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर 2 बजे काम पे आ जाते हैं, तो 6-7 बजे तक मतलब ये फुल टाइम काम करते हैं। इस फैक्ट्री के मालिक को भी चीनी कर्मचारियों के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो प्लांट भी चाइनीज का है, वो लाए भी चाइनीज है, तो इसको चलाने वाले इंजीनियर भी चाइनीज है, तो हमारे लिए थोड़ी सी सख्ती हो गई है कि आपने अभी चाइनीज को मूवमेंट नहीं करवानी है। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी लेनी है। ये कर्मचारी भी शिकायत करते हैं कि इनके साथ भेदभाव होता है। पहले जब इनको हम फर्स्ट लाए थे कराची से, तो इनमें एक तो इतनी बदबू होती थी कि हम इनको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए हम लोग परेशान होते कि इनको अपनी गाड़ी में बिठाए या नहीं बिठाए। फिर हमने उनके साथ उधर एग्रीमेंट किया कि भाई आप कोई भी गलत खाना आपने नहीं खाना। वो हमने सख्ती से इनको मना किया कि मैं आपको आपका जो ना डेली 2-4 दिन में आपका फ्रिज चेक करूंगा कि आप गलत चीज़ खा तो नहीं रहे हो। खाने के एतबार से कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि चीनी खाने और पाकिस्तानी खाने मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ तक घर वालों को याद करने की बात है, वो तो अक्सर काफी याद आते हैं। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए एक महिला ने कैसे बनाया पुरुषों के दबदबे वाले काम में अपनी जगह।
एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। जामनगर की ललिता बैन पिछले दो दशकों से पीतल की फैक्ट्री में काम करती हैं। कम उम्र में ही उन्होंने ये काम करना शुरू किया। अमूमन पीतल कारखानों में पुरुष ही काम करते ज्यादातर नजर आते हैं, लेकिन ललिता बैन ने वहां काम करके पैसा और इज्जत दोनों कमाई। देखिए ललिता बैन के जज्बे की कहानी हमारी सहयोगी दर्शन ठक्कर की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम ललिता बेन हीरा भाई नामकुम है। मैं 48 साल की हूँ और पिछले 20 सालों से पीतल से पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रही हूँ। ललिता बेन जामनगर में रहती हैं। वो जब 20 साल की थीं, तब से पीतल की इस फैक्ट्री में काम कर रही हैं। एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में ललिता बेन को काफी सफलता मिली है। शुरुआत में मजदूरी काम करता। मैं कभी स्कूल नहीं गई। शुरुआत में बतौर मजदूर काम करती थी। हमारी माली हालत ठीक नहीं थी। जैसे जैसे हालात सुधरे, मैं अपनी मशीन ले आई। पहले उन्हें हाथ से चलाया जाता था, पर अब सब कुछ ये ऑटोमेटिक मशीन कर देती है। जब मैंने शुरुआत की थी तो पीतल का दाम 80 रुपए प्रति केजी था और अब 450 रुपए प्रति केजी है। मैं पिछले 25 सालों से पीतल के पुर्जों की फैक्ट्री में काम करती हूँ और मैं एक ऑलराउंडर बन गई हूँ। मुझे सारी मशीनों की अच्छी नॉलेज है। मैं मशीन को नए सिरे से बना सकती हूँ और उसे फिट कर सकती हूँ। ललिता बेन शुरुआत में घर में नौकरानी और मजदूरी का काम करती थीं। फिर उन्होंने पीतल के पुर्जों की फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी। वो हर महीने 35,000 रुपए कमाती हैं। और अब तस्वीरें यूरोप से, जहां इस साल के पहले काले गैंडे ने जन्म लिया है। इंग्लैंड के यॉर्कशायर के एक जू में इस गैंडे ने अब चलना शुरू कर दिया है। रखवाली कर रहे लोगों का कहना है कि वो इसकी सेहत में आए सुधार से खुश हैं। खुले जंगलों में अब सिर्फ 3,000 लुप्तप्रिय काले राइनो ही बचे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के इस गोल्फर को एक कंगारू ने हैरान परेशान कर दिया। उन्हें अचानक अपना खेल तब रोकना पड़ा जब गोल्फ कोर्स में कंगारुओं का एक झुंड आ गया। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो चुका है। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @PayalBhuyan। आज के लिए बस इतना ही।